हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर कैंपिंग व्लॉग। हमारे हट्टे कट्टे आदमी देखिए, देखो क्या इंसान हो यार, इतने हट्टे कट्टे हो, इतने सारे सामान पकड़ के लाए हो। इतना वजन तो मेरे लिए कम हो गया भाई। और दो ठो चाहिए क्या? दोगुना? ठीक है, अगली बार ना दोगुना बढ़ा दूंगा मैं। ओके। देखिए इतना खूबसूरत क्रीक झरना, अब थोड़े ही दूर है, यहाँ से थोड़े आगे जाएंगे, वहाँ पे हमारा टेंट वेंट सेटअप करेंगे, जहाँ पे पिच करेंगे। पहुँच गए भाई परफेक्ट जगह पे, जहाँ पे हम अपना टेंट सेटअप करेंगे। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बुशेस थे, थोड़ा सा काट कूट के थोड़ा सा साफ कर लिया। यहाँ पे वो टार्पलिन है ना बड़ा वाला, वो डाल देंगे, उसके ऊपर टेंट पिच कर देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, हमें आराम से रह सकते हैं और सामने खूबसूरत व्यू का मज़ा लेते हुए हम कैंपिंग कर सकेंगे। क्या भाई, तैयार हो तो? हाँ भाई, यहाँ पर रख दे रहा हूँ। हाँ रख दो। वैसे दोस्तों, दो दिन पहले भी हमने कैंपिंग के लिए प्लान किया था, रेन कैंपिंग के लिए। बहुत धुआंधार बारिश हुआ, सिर्फ बारिश नहीं, इतनी तेज़ हवा चल रही थी भाई। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ अपने मोबाइल में, कितने तेज़ तरार बारिश थे यार। ये देखो, ये सेटअप कर रहे थे हम, मतलब करने की कोशिश कर रहे थे, इसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। कितनी तेज़ बिजली, देख रहे हो, बड़े बड़े बूंदे बारिश, ये बड़े बड़े बूंदे गिर रही थी, बिजली चमक रही थी भाई, पूछो मत, हमारा तो हालत ही ख़राब हो गया भाई। मतलब इतने डेंजर में ना कैंपिंग नहीं करना चाहिए भाई। सेफ्टी नाम की कोई चीज़ भी है, सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है, जितना भी जो भी एडवेंचर करो, जो भी करो, सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए ही करना पड़ेगा। ये भाई कैंपिंग का उसूल है, आप भी बना लो, कभी कैंपिंग करने जाओ तो सेफ्टी को फर्स्ट ध्यान देना चाहिए। अभी देखो भाई, हम कैंपिंग क्यों करते हैं? देखिए, इतने भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम थक जाते हैं, दिमागी तौर से थक जाते हैं, मन को शांति नहीं मिलती, शरीर के तौर पे भी थक जाते हैं। तो इसीलिए रिलैक्स करने के लिए वीकेंड्स में, ऐसे छुट्टियों के दिन में हम आते हैं, थोड़ा रिलैक्स करके मन को शांति मिलेगी। ये भाई साहब, तुम भी डर गए थे कि नहीं? बोलो। डर के मारे तो मैं भाग गया भाई, भाग गाड़ी के अंदर। हम देखो भाई, उस दिन कार लेके गए थे अपने दोस्त का, हम कार के अंदर घुस गए। अगर आपने कभी डिस्कवरी चैनल या फिर साइंस चैनल देखा होगा तो वहाँ पे बोला था किसी ने, कार के अंदर आप जाओगे तो घर से भी सेफ्टी मिलेगी आपको, मतलब घर में ऐसे बिजली नहीं गिरेगी, जब मतलब गिर सकती है, लेकिन कार में कभी बिजली नहीं गिरेगी, ऐसे उन्होंने बोला, टेस्ट भी किया था, ऐसे बोले थे। तो इसीलिए भाई डर के मारे हम कार में घुस गए, वहाँ से निकल ही नहीं पाए। करीब आधे से पौना घंटा तक हमने रुका, वहाँ पे इंतज़ार किया, फिर भी देखा बारिश ख़त्म नहीं हुई, मतलब ज़ोरदार बारिश, बिजली चमकना बंद नहीं हो रहा था, इसीलिए हमने वो कैंप कैंसिल कर दिया और रिटर्न चले गए। लेकिन आज ऐसी कोई बात नहीं है आज, लेकिन एक जंगल है, बहुत बड़ा जंगल पहाड़ के ऊपर, वहाँ देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, ड्रोन भी लाया हूँ मैं साथ में, वो सब कैप्चर करने के लिए आपको दिखाऊंगा, कितना बड़ा जंगल है, घना जंगल, और यहाँ पे ना जंगली जानवर बहुत सारे हैं। लेकिन फिर भी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए हम कैंप कर रहे हैं। यहाँ पे नदी के उस साइड नहीं जाके इस किनारे हम रुके हैं, और यहाँ से थोड़े ही दूर में हमारी गाड़ी भी है। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है रात में, कुछ भी आवाज़ें आती हैं या फिर कोई भी डेंजर हमको फील होता है, तो आराम से हम गाड़ी तक पहुंच सकते हैं, जैसे वो प्लान करके हम आए हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है, होपफुली हम एक अच्छा सा एडवेंचर, रिलैक्सिंग कैंपिंग कर सकेंगे। तो भाई हमारे टेंट सेटअप कर रहे हैं, सब निकाल दिया भाई? हाँ, निकाल दिया। चलो फटाफट से टेंट वेंट पिच करते हैं, एडवेंचर स्टार्ट करते हैं भाई अपना आज का। तो भाई साहब देखिए, टेंट वेंट तो सेटअप हो चुका, अभी बैग वैग सेटअप कर लेंगे, अंदर ले लेंगे सब। हमारा जो खाने पीने का सामान जिस बैग में है वो निकाल दो, बाकी रहने सहने का जो सामान है वो अंदर रख देंगे।
इतने खूबसूरत जगह में जब आएंगे एक एरियल व्यू तो बनता है। अभी कुछ ड्रोन शॉट भी ले लेंगे यहाँ पे, तो इतना बड़ा जंगल है आप तो नीचे से पता नहीं लगा सकते। जब हम एरियल व्यूज लेंगे, ड्रोन के कुछ शॉट्स लेंगे, तभी पता चलेगा कितना बड़ा जंगल है और कितना खूबसूरत ये झरना और क्रीक है। तो चलिए भाई फटाफट से एक ड्रोन शॉट ले लेते हैं। भैया देखा ना कितना बड़ा घना जंगल है, पहाड़ है इतना बड़ा पीछे। एरियल व्यू में तो और भी घना दिखता होगा। अभी हम लकड़ियाँ निकाल रहे हैं, हम हमेशा कुछ लकड़ियाँ साथ में लाते हैं सेफ्टी के लिए, प्रिकॉशन के लिए, प्रिपेयर रहना चाहिए ना। मतलब हमेशा तो हर जगह सूखे लकड़ी मिलेंगे ऐसा तो कोई गारंटी नहीं है, इसलिए कुछ कुछ लकड़ियाँ हम घर से भी लेके आते हैं साथ में। अगर बाई चांस कुछ ना मिले वहाँ पर तो एमरजेंसी में काम चला सकते हैं एटलीस्ट। तो आज के लिए तो इतना सफिशिएंट हो जाएगा लगता है, क्योंकि कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आइटम मतलब क्या डिफ़िकल्ट आइटम नहीं है आज बनाना, थोड़ा इजी आइटम। हम पनीर बनाने वाले हैं, पनीर का कुछ आइटम बनाओगे ना भाई, भुना भुन करके कुछ बनाएंगे। ये भाई साहब बोल रहे थे इनको ही आज वो ड्यूटी दे देते हैं पनीर का। तो अभी ये लकड़ी छोटा छोटा पीस कर लेंगे, तो पहले कॉफ़ी का प्लान कर लेते हैं। थकान भरा काम कर चुके हैं, थोड़ा रेस्ट लेंगे, स्नैक्स कॉफ़ी वगैरह थोड़ा लेंगे, नदी को एंजॉय करते हुए। पीछे जो झरना देख रहे हैं आप खूबसूरत, वो पानी को देखते हुए थोड़ा रिलैक्स करेंगे, कॉफ़ी पी लेंगे, उसके बाद डिनर का प्लान बनाएंगे। और पास्ता वास्ता भी लाए हैं, वो भी बनाना है भाई। तो इतनी लकड़ियाँ हो जाएगी ना आज के लिए? हाँ हो जाएगी। अगर बाई चांस ज़रूरत पड़े तो ऊपर तक वो नहीं, पास में तो जंगल है, सूखे लकड़ी कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, वहाँ से कलेक्ट करके भी रात को ला सकते हैं इमरजेंसी के लिए। देख रहे हैं ना भाई साहब कैसे लकड़ियाँ काट रहे हैं। भाई साहब की लकड़ी काटने का स्किल बहुत अच्छा है ना? हाँ भाई, आदत है इनको ना, इतना छोटा था मैं लकड़ी काटने के लिए पूरा। ये सब काम में इनको आदत है, जंगली काम करना, देसी काम करना, सब बोल रहे थे आदि मानव कुछ बोल रहे थे वही टाइप का ये काम कर पाते हैं आसानी से। भाई मेरे से तो नहीं होगा, मुझसे ना हो पाएगा, मैं तो बस ऐसे घूमता हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ, शूटिंग करता हूँ, मौज करता हूँ। पता है आप लोगों में से बहुत लोग मुझे गालियाँ देंगे, कुछ काम वाम करता नहीं, आलसियों की तरह बस घूमते रहता हूँ, खाते रहता हूँ। ऐसा नहीं है, मैं भी थोड़ा थोड़ा हाथ बटा लेता हूँ उनका, है कि नहीं भाई? बोलो। तो यहाँ पे चूल्हा सेट कर देते हैं, टेंट से भी काफ़ी दूरी है, आग वहाँ जाने का चांसेस भी नहीं है, आसानी से हम बना सकते हैं बिना डर के, बेझिझक, है कि नहीं भाई? हाँ भाई। लकड़ियाँ सजा दे। तो भाई मस्त आग हो गया, अभी कॉफी का आयोजन करेंगे। इस जाली को तो सेट कर लूँ।
भाई देखो तो पानी गर्म हो गया। हाँ पानी तो गर्म हो गया भाई। ठीक है कॉफ़ी डाल देंगे इसमें। आज भी जो कॉफ़ी का फ्लेवर है ना वो है क्या है भाई, वेनिला कैरामेल। आज का भी दूसरा फ्लेवर का है, पिछली बार भी ऐसे ही कुछ नया फ्लेवर ट्राई किया था ना हमने। हाँ एक ही फ्लेवर कितने बार पीना यार, ऐसे नए नए फ्लेवर थोड़ा ट्राई करना चाहिए ना। हाँ बहुत अच्छा कंपनी है, बढ़िया लग रहा है, टेस्ट भी अच्छा आता है। ये कोलंबियन ब्रू है, अच्छे कॉफ़ी बनाता है, मिक्स है, इसमें चीनी शक्कर वगैरह सब कुछ दूध पाउडर सब मिला हुआ होता है, अलग से कुछ डालना नहीं पड़ता, टेस्ट भी अच्छा रहता है। तो भैया जंगल में कॉफ़ी का मज़ा लो। हाँ भाई अच्छा है ना, बढ़िया टेस्ट है यार। लो थोड़ा लो हो जाएगा सब, मैं ही पीऊँ क्या? नहीं मेरे को ज़्यादा हो गया ना। अरे कप तो भर्ती करो वो छोटा वाला कप है लो भाई, वो हाथी का दांत है, दिखाने का और खाने का और। ठीक है वो नीचे से ना इतना बड़ा मोटा सा वो जो दिया है ना वो सिर्फ दिखाने के लिए। सब पी दूँ? हाँ पी लो, वो दिखता बड़ा है। ठीक है बोलो कैसा लग रहा है? बढ़िया है भाई, A1 क्वालिटी, मस्त है। थोड़ा थोड़ा चॉकलेट फ्लेवर भी है। हाँ भाई और जो कैरामेल फ्लेवर है ना वो आ रहा है, वो फ्लेवर मज़ा आ रहा है भाई। बढ़िया है कॉफी का मज़ा। जंगल के पास बैठ के, वो भी झरने के पास, झरने की जब आवाज़ आ रही है ना बहुत ही मन को सुकून मिल रहा है भाई। हाँ भाई इसी सुकून के लिए तो लोग कैंपिंग के लिए आते हैं, है कि नहीं? हाँ हाँ मुझे भी कमेंट में बहुत लोग पूछते हैं कि हम भी कैंपिंग शुरू करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, करें कि नहीं, कैसा एक्सपीरियंस होता है। भाई बिल्कुल करो, कैंपिंग करो, मज़ा लो। मैं तो कहता हूँ ऐसे हर वीकेंड कैंपिंग आओ, इससे आपको भी अच्छा लगेगा नेचर के साथ। नेचर में जो फील मिलेगा ना वो और कहीं नहीं मिलेगा, तो नेचर का फील ले सकते हो आप, एंजॉय कर सकते हो। लेकिन पहले क्या करोगे, देखो अगर पहली बार कैंपिंग कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले अपने बैकयार्ड में घर के पास आसपास कहीं ट्राई करो। पहले एक दो बार टेंट के अंदर सोने के लिए कोशिश करो, क्योंकि अगर घर में आपको आदत रहेगा ना सोने के लिए तो बाहर इतनी आसानी से नींद नहीं आएगी। पहले पहले हम भी जब कैंपिंग किया करते थे नए नए में तो हमें भी थोड़ा अजीब लग रहा था, बाहर की जंगल की आवाज़ें, इसमें नींद नहीं आएगी, डर लगेगा, अलग सा फील आएगा आपको जो घर में आपको अमूमन नहीं आएंगे वो फीलिंग्स, आपको जंगल में ही वो फीलिंग आएंगे। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा पहले प्रैक्टिस कीजिए घर के आसपास टेंट में सोने के लिए, टेंट के अंदर रह के कैसा लगता है, उसके बाद ही जंगल में ऐसे एडवेंचर करें, वो भी सेफ्टी जगह पर जाइए, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है भाई। कोई सेफ जगह चुनिए जहाँ पे कुछ डेंजर ना हो, वैसी जगह पे कैंपिंग कीजिए। हमेशा गाड़ी पास में रखिएगा, जैसे आप इजीली वॉक करके पहुँच सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो। ऐसे प्रिकॉशंस लेके ही कैंपिंग करना चाहिए। और हमें क्या करीब ऐसे कैंपिंग करते हुए 6 या 7 साल हो गए हम कैंपिंग करते आ रहे हैं, हालांकि ये जो कैंपिंग का प्रॉपर चैनल हमने नहीं बनाया था, डेडिकेटेड व्लॉग चैनल कैंपिंग का नहीं बनाया था, ये हमारा यूट्यूब का पहला चैनल है, सॉरी दूसरा चैनल है, एक पहले तो ASMR चैनल भी है तो ये व्लॉगिंग का दूसरा चैनल है। पहले हम यूट्यूब पे थे, 5 साल से हम यूट्यूब में हैं, लेकिन अलग कैटेगरी में है, हम ट्रैवल वगैरह किया करते थे उस कैटेगरी में है, ये कैंपिंग कैटेगरी का हमारा चैनल नहीं था, तो इसलिए कैंपिंग का एक्सपीरियंस है हमें, तभी हम आसानी से जंगल में कहीं भी जाते हैं तो प्रिकॉशन के साथ रह पाते हैं, वहाँ पे आदत हो गया हमको। अभी तो सीन ऐसा हो गया भाई, घर में नींद नहीं आती, यहाँ पे कैंपिंग में आओ तो यहाँ बहुत अच्छी, मतलब पूरा वो कहते हैं ना टाइट स्लीप, जो आपको सुकून भरी नींद मिलती है भाई यहाँ पे। झरनों की आवाज़, चिड़ियों का गूंज, वही बहुत अच्छा लग रहा है। चिड़ियों की गिड़गिड़ाहट तो सुनते हैं ना, चिड़ियों की आवाज़ या फिर जंगल में नेचर की आवाज़, बहुत मतलब अच्छा फील होता है यार दिल को, थकान मिटा देती है भाई। काम कर करके हम इतना मजबूर हो जाते हैं घर में रह रह कर, जंगल में आता है बहुत सुकून मिलता है, सुकून मिलता है वही। तो आप भी कीजिए लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ, ठीक है? तो अभी का तो हो गया भाई, अभी बाद का काम देखते हैं। अभी पनीर वनीर थोड़ा काट लेंगे, निकाल लेंगे उसको, नहीं तो गर्मी में, अभी तो गर्मी चल रहा है, समर चल रहा है, गर्मी में ख़राब होने के चांसेस है, फटाफट से उसको निकाल के काटना वाटना सब कर देंगे,
मसाले वसाले जो भी उसको उसको उसमें भुनने हैं या फिर कूटने हैं वो सब रेडी कर लेंगे, पैन वैन ला के उसको बना के फिर उसके बाद पास्ता भी हमको बॉईल करना है, तो आग वेस्ट नहीं करना है, फटाफट से कॉफ़ी पी लेते हैं, वो काम शुरू करते हैं। तो भाई शाम हो रही है, अभी लाइट वाइट लगा लेते हैं, तो अंधेरा हो जाएगा तो काम नहीं कर पाएंगे। हाँ थोड़ा सा और हो जाएगा। पास्ता उबल रहा है, तब तक पनीर वनीर सब प्रिपेयर कर लें। फटेगा क्या है? नहीं तो काट दो। बहुत बढ़िया, रख दूँ यहाँ पे, रख दूँ। अच्छा है तो? अरे बहुत बढ़िया, क्या पीस है यार, कलर भी मस्त है। हाँ चलो भाई, पैन थोड़ा धो लेंगे। हाँ भाई तुम पैन धो लो, मैं थोड़ा कप धो लेता हूँ। अब पानी के पास रहने का यही तो बेनिफिट है। हाँ भाई, और उसका फायदा भी उठाना चाहिए। हाँ आसान से धोना वोना सब काम कर सकते हो। पानी भी बढ़िया साफ है यार, रात में भी पूरा क्लियर दिख रहा है सब कुछ। हाँ भाई, तो मछली वछली होगा कि नहीं इस पानी में? मछली तो दिन के टाइम में ही दिखाई दी जाएगा। अच्छा, हो सकते हैं ना यहाँ पे? हाँ ठीक है, कभी दिन में आएंगे तो मछली पकड़ने की कोशिश करेंगे भाई, मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो केकड़ा वगैरह तो जरूर मिलेगा। हाँ केकड़ा मिल जाएगा। केकड़ा पकड़ने का जो एक्सपीरियंस इन भाई सर को बहुत है, फिर कभी ट्राई करेंगे केकड़ा पकड़ने को। ठीक है। हाँ अभी पनीर को भून लेंगे हम, उसके लिए मैं ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करूँगा, जिंजर गार्लिक पेस्ट एक लाया हूँ वो डालेंगे, और नॉर्मली जो कुछ डालते हैं हम वही डालेंगे, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालने वाले हैं आज, मतलब मसाले वसाले जो कूट कूट के भरते हैं ना वो आज नहीं भरेंगे। टमाटर सॉस लाए हैं, उसके साथ सोया सॉस है, और क्या है भाई, बस इतना ही ना। हाँ और थोड़ा तेल डालेंगे, ठीक है वही सबसे बना लेंगे। अभी थोड़ा तेल डाल लो इसमें। तो पनीर भुन गए भाई अच्छे से? हाँ भुन गए। अभी इसके अंदर हम उबाला हुआ पास्ता डाल लेंगे। डालो, ये पानी के साथ डाल दे रहा हूँ। ठीक है। हाँ हाँ पूरा मसाले जैसे हो जाएंगे, मिला लो अच्छे से। अभी 1 मिनट इसके ऊपर नमक भी डाल देंगे भाई। तो भाई पास्ता पनीर तो तैयार हो गया, अब परोस लो। अच्छा तो दिख रहा है। हाँ भाई टेस्टी लग रहा है, अब दिखाई देने में टेस्टी लग रहा है, खाने में खाने के बाद पता चलेगा असल में कैसा टेस्ट है। अरे भाई तैयार हो गया? हाँ भाई हो गया।
अच्छे तो लग रहे हैं पास्ता दिखने में। हाँ, खाने से ही पता चलेगा कैसा लग रहा है भाई। हाँ, बुरा नहीं है, मेरा मतलब अच्छा है। बुरा है। अच्छा ना। चलेगा। अब देखो, खुद की तारीफ तो खुद नहीं करूँगा, इतना में ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना टेस्ट आना चाहिए था, और भी टेस्टी हो सकता था अगर हम इसमें प्याज व्याज सब डालते तो। ये तो भाई साहब है ना, घर में प्याज भूल के आ गए, इसको इनको और बोला था ग्रीन मिर्ची लाने के लिए, भाई ग्रीन चिली भी भूल के, और क्या क्या भूले भाई। लाया था भाई, इतना बड़ा बड़ा, इतना लंबा लंबा। अच्छा, ग्रीन चिली इतना लंबा लंबा लाए थे। हाँ, तो शिमला मिर्च होगा भाई वो। तो प्याज भी भूल गए घर में, तो सब कुछ भूल जाओगे तो कैसे करोगे बोलो। टमाटर लाना भी भूल गए। देखो, टमाटर भी लाना भूल गए, वो तो फिर भी मैंने सॉस डाल के चला लिया, लेकिन प्याज नहीं डालेंगे, मिर्ची नहीं डालेंगे, मसाले पाउडर नहीं डालेंगे तो टेस्ट कहाँ से आएगा बोलो। तो अभी खाने लायक है, इतना तो टेस्टी नहीं कहूँगा, लेकिन चला लेंगे भाई, जंगली खाना समझ के। आदि मारा हो ना तुम। हाँ। मसाला वसला तो मुझे तो आदत नहीं है, सादा सीधा खाना ही मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ठीक है भाई, आज आपकी तरह से खा लेते हैं। आज तारा बहुत निकला है, ऊपर देखो तो इतना तारा, पूरा साफ साफ दिख रहा है भाई तारा। चार दिख रहे हैं, वो क्यों? शहर से बहुत दूर है हम, लाइट पॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पे जंगल एरिया है, इसलिए आसमान पूरा क्लियर है, तारे पूरा अच्छे से दिखाई पड़ रहे हैं। और भाई मैं बोलूँ, वहाँ पे ना पेड़ों में एक तरह का फल फलते हैं जो कि फूटते हैं, पटाखे जैसे फूटते हैं ना, वैसे फूटते हैं, बीच बीच में हम अचानक से डर जाते हैं, हम शौक लगता है हमें। रह के कुछ देर बाद ऐसे ठच करके फूटेगा और पानी के अंदर गिरेगा, पता नहीं कौन सा फल है यार, वो फूट फूट के डरा रहा है हमको, तीन बार डरा मैं, ये भाई साहब तो 10 बार डरे। इतना जंगल एरिया में डर तो लगेगा भाई, कितना देखो तो कितना बहुत घना जंगल है भाई, और इसके अंदर पक्का जरूर जंगली जानवर रहते होंगे, 100% श्योर। हाँ, भालू तो कंफर्म होगा, बाकी ये फॉक्स जैकल वगैरह तो कॉमन है भाई, वो तो जानवरों की बात, वो जो फल की आवाज़ आ रही है ना, वो फल फट रहा है, इधर हमारी फट रही है। हाँ। कौन सा फल है भाई वो? मुझे भी पता नहीं है। कौन सा फल है? अचानक से 10 मिनट 15 मिनट बाद ठस करके फूटता है वहाँ पे, तो वही बस चीज़ है, नहीं तो पता नहीं रात को कैसे सोएंगे, ऐसे अगर 10-10 मिनट को एक बार फूटेगा तो रात में 10-10 बार उठना पड़ेगा भाई हमको, नींद अच्छे से नहीं आएगी। तो भाई जगह तो बढ़िया है, बारिश के मौसम में भी कभी आके कैंपिंग करेंगे क्या? पागल, कुत्ते उत्ते ने काटा ही क्या तुमको? बारिश के मौसम में यहाँ पे कैंपिंग करोगे? हरगिज़ नहीं भाई। देखो, अभी समर चल रहा है, समर के टाइम विंटर टाइम ऐसे पानी कम होता है ना, इसीलिए हम क्रीक के बीच में कर रहे हैं, नहीं तो इतने लेवल तक पानी जाएगा भाई, या फिर उससे भी ऊपर जा सकता है, पहाड़ी इलाका है हमारा, कहीं ऊपर की तरफ बारिश हो गया, नीचे ज़ोर से पानी आ गया आएगा तो हमें पूरा बहा के लेके जाएगा। अगर बहना है तो कैंपिंग करना है यहाँ पे, मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा भाई, वैसे क्रीक के पास झरने के पास रहना है, खास करके बारिश के मौसम में तो प्रिकॉशन ले कर रहना चाहिए, पहले मार्क करना चाहिए बारिश के मौसम में कितने हाइट तक पानी जाता है, जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए, बारिश के मौसम की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अभी समर में तो है, इसीलिए तुम एंजॉय कर रहे हो, ठीक है? जैसे पागल कुत्ते पागल सुअर काटने जैसे बात मत करो भाई, खुद तो बहोगे, मुझे भी बहा के लेके जाओगे। ऐसे बात है, तो बारिश में मत करना चाहिए भाई, बारिश में नहीं करना चाहिए, यहाँ पे ऊपर कर सकते हैं, पहाड़ी के ऊपर, यहाँ पे नहीं। हाँ, तो भाई डिनर विनर सब हो गया, और सोने के लिए तैयार हो तो? हाँ, तैयार है भाई, सब प्लेट व्लेट सब धोना वोना सब हो गया, पैन वैन सब साफ कर दिए हमने, इसी बीच में थोड़ा सा पानी के पास बैठे भी, हाथ मुँह सब धो लिया, थोड़ा थोड़ा फ्रेश हो लिया हमने, अभी रात के करीब 10 बज गए ना,
हाँ भाई हो गया, 10 बज गए हैं, सोने का टाइम हो गया, अभी से ही सोने की कोशिश करेंगे। सुबह सुबह ना जल्दी उठना पड़ता है, करीब आजकल समर है ना, करीब 4:30 ऐसे में उठने से ही हमको सही होता है, नहीं तो हम लेट हो जाते हैं। तो फटाफट से सो जाते हैं भाई। हाँ भाई, लाइट वाइट सब बंद कर दो। हाँ, ये लाइट बंद कर देता हूँ। उनको कितने सारे कीड़े यार। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं सोने के लिए। गुड नाइट बोल दो भाई हमारे दर्शकों को। गुड नाइट, गुड नाइट दोस्तों।